आदाब अर्ज़ नाज़रीन, आज मैं बना रही हूँ अफ्तार के लिए बहुत ही टेस्टी ठंडी ठंडी लस्सी। तो इसको आप अफ्तार में पीजिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा जो एकदम फ्री है। लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लस्सी बनाना। उसके लिए ले रही हूँ मैं ये दही, ये एक प्याला दही है, ये घर का बनाया हुआ दही है, आप बाज़ार का भी ले सकते हैं, घर का भी ले सकते हैं। तो ये एक प्याला दही ले रही हूँ मैं, और उसको एक बड़े प्याले में डाल लेती हूँ, और इसको चम्मच से अच्छे से फेंट लूँगी। आप इसको चम्मच से ही मिक्स कीजिएगा, दही को आप मिक्सर में मत चलाइएगा, मिक्सर में एकदम पतला हो जाता है, उससे अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो आप इसको हाथ से अगर फेंटेंगे तो बहुत ही गाढ़ी गाढ़ी बहुत ही टेस्टी लस्सी बनकर तैयार होगी। तो मैंने ये एकदम फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दही लिया है, और दूध भी ठंडा लूँगी और सब चीज़ें ठंडी लूँगी। तो ये मैं ले रही हूँ एक प्याली शक्कर, एक बड़े प्याले भर के दही में एक छोटी प्याली भर के मैं शक्कर ले रही हूँ, उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। चूँकि मैं इसमें बर्फ़ नहीं डाल रही हूँ, तो इसलिए मैं हर चीज़ को मैंने फ्रिज में रख के ठंडी करके उसको लिए। अगर आप चाहें तो इसमें बर्फ़ भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये पाव भर दूध है, 250 ग्राम दूध डाल रही हूँ मैं इसके अंदर। एकदम चिल्ड दूध भी लीजिएगा, जिसकी वजह से ठंडी ठंडी एकदम बढ़िया से लस्सी बन के तैयार होगी। उस सबको अच्छे से मिक्स कर दें आप। ये देखिए कितनी गाढ़ी लस्सी बनी। तो चम्मच से फेंटने से दही हमेशा गाढ़ा रहता है, वो पतला नहीं होता, मिक्सी में पतला हो जाता है। तो ये पूरा दूध मैंने डाल दिया 250 ग्राम, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ शक्कर घुलने तक। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये दूध मसाला, ये थोड़ा सा दूध मसाला डाल रही हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से मिलता है ये बाजार में दूध मसाला। तो थोड़ा सा दूध मसाला डाल दें, इसके अंदर पहले से ही केसर कलर सब मिक्स होता है, तो इससे लस्सी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो इसको आप अगर आपको अवेलेबल है तो आप इसको मिक्स कर लेते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप। तो चलिए ये बन के तैयार हो गई है एकदम ठंडी ठंडी बहुत ही टेस्टी लस्सी। इसको आप इफ्तार में पीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है, रोज़े के बाद इसका मज़ा बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा और टेस्टी मज़ा। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ गिलास में, उसको सर्व करने के लिए रख देती हूँ। उसके ऊपर मैं ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, तो आप ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर लीजिएगा। तो तैयार है एकदम टेस्टी ठंडी और बहुत ही दिल को राहत देने वाली लस्सी। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप मुझे ज़रूर हेल्प कीजिएगा। होती मुलाकात अगली रेसिपी के साथ। थैंक्स मच। ऐसे ही टेस्टी रेसिपीज़ का मज़ा लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।